अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नहीं मीडिया आपके बच्चे तो बड़े साल पढ़ रहे होंगे है ना, आप बताने में कतर रहे क्यों है भैया, बताइए ना क्या समस्या है आपको। क्या हो जाएगा बताओ, चलो ट्रेनिंग रूम में बैठे प्रेमपुर में, ट्रेनिंग नहीं जाना चाहिए बाहर ही आ जाओ। अरे वर्जन दे रहे हो क्या मैनेजमेंट की तरफ से, आप मैनेजमेंट देखते हैं सर, मैनेजमेंट की तरफ से बोलो ना, चलो आप बोले ना मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट में है, आप बताइए ना कि क्या प्रॉब्लम क्या है इनकी, बैठ के बात करें, चलो चल रहे हैं हम लोग, चलते बैठ के बात करें अपन। आप लोग मेरे पास आराम से जंजाल में पड़ो, जो समस्या है एक आवेदन पे लिख के आपके पास अरे आप हमें दीजिए, बहुत सच्चे आदमी हैं, उसको लेकर आगे बात करें इसके साथ, इनकी ये समस्या इन समस्याओं मेरे को देखा अपने आप से आ रही है, क्यों नहीं हो रही ये, तो इसमें अपना क्या निराकरण हो पाएगा, तो इसमें क्या देखो आप सब नहीं इकट्ठे हुए, अच्छी बात है आप लोग कुछ बोलोगे हम कुछ बोलेंगे, प्रॉपर बात समझ में आ नहीं पाएगी। लोधी नाम है लड़के का, नर्सरी में लड़का है जो यहाँ के राहुल राजपूत जी है, उन्होंने बोला कि तुम्हारी 20 तारीख को पेमेंट आ जाएगी, लेकिन 20 तारीख को ये एलएलसी नहीं डली हमारी, सन 2021 से सर हमारी पीएफ नहीं डला हुआ है, दूसरी बात 23 का भी पीएफ डला, और बोलते हैं तुम मीडिया वाले को बोला तुम्हारे को बंद कर देंगे, अभी उन्होंने बोला। ठीक है, राहुल राजपूत किस पद में है यहाँ पर, एचआर है सर यहाँ, अभी उन्होंने बोला जो नई भर्ती ली हुई है, जो नए ठेकेदार है बोले तुम्हारे पुराने, जबकि उस ठेकेदार को बताया नहीं गया और उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो आपके बच्चे को क्या वहाँ से बंद कर दिया, बंद नहीं किया उन्होंने बोला, ठीक है आज उनको बोला कल आज भगा दिया उनसे स्कूल से, हमारे स्कूल से लड़के वो घर बेटा आप भले मैडम से बात कर लीजिए। ठीक है, हमारे बर्तन से ये हमारा ठेका चल गया 7 साल से, दो मिनट ये 7 साल से ठेका चल रहा है हमारा, ठेकेदार को सूचित नहीं किया गया कि भैया हमारा ठेका बंद हो रहा है, कंपनी हर बार आती है नए ठेकेदार को लेके, हमारा जो 5-7 साल से हम काम कर रहे हैं कुछ भी नहीं मिल रहा है, ना पीएफ जमा हो रहा है ना एसआईसी जमा हो रहा है, कंपनी अंदर केमिकल की है पूरी, किसी को लग जाए तो हॉस्पिटल का खर्चा नहीं उठा सकते, 318 रुपए में आदमी काम कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी हमारा टाइम पे पेमेंट नहीं हो रहा है, रेट भी कम दे रही है, और ईएलसीएल कुछ भी नहीं डाल रहे हैं हमारे लीव का पैसा, ना बोनस डाल रहे हैं टाइम पे, राखी बिगाड़ दी बंद उनकी सारे की, अभी की मुख्य समस्या क्या है जो आए, अभी मुख्य समस्या हमारी पेमेंट की है, जो हमारा लीव का पैसा है वो नहीं डल रहा है, और पीएफ नहीं डल रहा है हमारा 8 महीने से, नया ठेकेदार आ नहीं रहा हमारा, ये नए ठेकेदार को ला रहे हैं, पुराने ठेकेदार चोर है तो उसको बुलाओ हमारे सामने, तो हम बात करेंगे कि ये चोर है कि नहीं है, कंपनी का क्या कहना है, कंपनी बोल रही है कि हम डालेंगे, कंपनी बोल रही है कि लेबर कोर्ट जाओ, तो हम लेबर कोर्ट जाएंगे क्या, जब कंपनी ने हायर कराना हमको हम लेबर कोर्ट नहीं जाएंगे, हर महीने हिसाब से महीने की बात चल रही है, आपको मिलती है आप लोगों को 8,000 रुपए कटपीट के मिल रहे हैं हमको, अभी मैनेजमेंट वाले आए थे ये क्या बोले आपसे, अभी बोल रहे हैं क्या बस डलवा देंगे आप, बॉम्बे से अप्रूवल आ गया तो 1 घंटे में अप्रूवल आ गया, 8 दिन का। अच्छा आपके ठेकेदार का क्या नाम था, अरविंद चौहान, अरविंद चौहान, अच्छा नए ठेकेदार आए वो कौन है, अभी वो नए ठेकेदार ने जानते नहीं है, हम पहचानते भी नहीं उसको, तो दूसरी बात अभी कब तक आंदोलन करोगे आप, ये हमारी जब तक पूरे पेमेंट नहीं डले जब तक आंदोलन करेंगे, ये बोलते श्रमिक श्रमिक कितने चले जाओ, कितने आप लेबर है जो इस समय आंदोलित है, 250-300 लेबर है, लेबर है हम, ठीक है अभी जो आपका नाम, आपका नाम, मेरा नाम भीम पटेल।
आप ये बताइए ना, इनकी समस्या क्या है, इनकी क्या प्रॉब्लम है, आप ये बताइए। एक मिनट रुको यार, नहीं तो सर मजदूर का पैसा दो नहीं आप। ये सारे बोल रहे हैं कि आपने खाली पैसा इनका। राहुल बोलो ना जरा भैया, आप अपन ट्रेनिंग रूम में बैठ के मीटिंग करते हैं, जो आपको करना है उसके वहां पर हमारे निर्णय लेते हैं। आपको बाहर आना, बाहर आना, अंदर काम करना, अंदर काम करना। अपन ट्रेनिंग रूम में बैठते हैं, वहाँ पे अपन बैठे पूरी बात। ये भी अंदर हो, हम मीडिया से, हम मीडिया से मीडिया भी रहेगा मेरे साथ, सभी को अंदर करना। यही करना है तो फिर इनसे बात कर लो आप, ठीक है ना, इनसे बात इस तरीके से क्या बात कर रहे हैं। सौरभ आ गया, ऐसा नहीं होता आपका, हमारा कोई लेना देना है, हमारा लेना देना है, हम आपके कॉन्टेक्ट का लेना देना, उसका निर्णय निकाल दो। पर आप हमारे अंदर जाएंगे, हमारा आप ये बता दीजिए सर, क्या बोला था कि डेस्क वाले अंदर मुझे तो मतलब नहीं आता, मैं सुन नहीं आता हूँ। आपने कहा था क्या? नहीं बोला था। इधर आप बताइए ना, इधर ये मजदूर है, यहाँ पे आप खड़े रोड पे खड़े हैं। हम आपसे हमारे लोगों से बातचीत हो गई है, क्या बात हुई हमारे लोगों से बात हो गई है, क्या बात? हमारे लोगों ने आधे घंटे का समय दिया है, आधे घंटे बाद हमारे लोगों से फिर बात करते हैं। नहीं पर क्या इनकी इनकी समस्या क्या है, क्या बात हुई इनकी समस्या क्या है सर? हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, भाग क्यों रहे हो यार, बहुत भाग क्यों रहे हो? सुनने वाला कि 6 महीने पहले खाया तो भागे ही नहीं। अरे भाग क्यों रहे हो? सुरेश फोन काट रहा है, एक बात कर रहा हूं, ये सेल की बात हो रही है, साल की एक बार की, चुपचाप रहो। बताइए सर, सोमवार या मंगलवार को? सोमवार मंगलवार तक हो जाएगा, ठीक है, सोमवार या मंगलवार को, ठीक है, ठीक है। ग्रेजुएटिंग का तो कम से कम 3-4 महीने लगते हैं मेरे भाई, मिनिमम मिनिमम। सुनो, वो भी पंकज जैन साहब के तुम फॉर्म हम भर के दोगे? पंकज जैन साहब ने सुन लीजिए, आपका जो कॉन्ट्रेक्टर है वो डेटा हमको दे देगा, बना के हम तुरंत प्रोसेस कर देंगे। भाई वो तुम्हारा ठेकेदार को चेंज करा, ठेकेदार भी गुस्से में है, नाराज है, जो भी होगा तुम्हारे जैसे नियम है। अभी तो आप ही बताइए, थोड़ा टाइम तो दे दो प्रभु, रहना तो रहे हो यार, मैं क्या बोलूं, टाइम तो दो। हम तो साल साल से सर के पास में आ रहे हैं कि बीएफ डला दो, बीएफ डला दो, बीएफ डला दो, बात अपन बार बार 10 बार दोहरा रहे हैं। दो मुद्दे आए हैं, एक ईएलसीएल का पैसा अकाउंट में आना चाहिए, उसके लिए बोल दिया सोमवार मंगलवार था कि ईएलसीएल का पैसा अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा, ग्रेजुएटी देंगे कि नहीं, तो ग्रेजुएटी देने से कंपनी ने मना नहीं किया, कंपनी ग्रेजुएटी देगी, उसकी जो प्रोसेस है कि वो जो डेटा आएगा, डेटा को वेरीफाई करके जो बनेगा उतना उसको देंगे। और वो नियम से तुम्हारे ठेकेदार को भी डेटा बना के देना है, देना ही पड़ेगा उसको, याग्निक साहब करता है ना ये, फिर वैसे ही वो भी दिया कि नहीं दिया, लोगों मिली ग्रेजुएटी पहले आया ना, मिली ना सुरेश तेरे से मिली है, मिलेगी अभी भी जो है, चलो।